नोटबंदी का आज 14वां दिन है और लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जिनके घरों में शादी है। शादी वाले घरों में कैश नहीं होने से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अब RBI ने जो नई गाइडलाइन जारी की है वो लोगों के लिए आफत भरी साबित हो सकती है। जी हाँ, पहले सरकार ने घोषणा की थी कि जिनके घर में शादी है वो शादी का कार्ड दिखाकर 2.5 लाख रुपए तक कैश बैंक से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपना ही पैसा नसीब नहीं हुआ। कभी कैश की किल्लत तो कभी RBI का सर्कुलर ना मिलने जैसी परेशानी लोगों के सामने आ रही है और इस बीच RBI की नई गाइडलाइन अब शादी वाले घरों के पसीने छुड़ा रही है। RBI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक ये शर्तें हैं। आप अपने अकाउंट से 2.5 लाख रुपए तभी निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में ये पैसा 8 नवंबर से पहले जमा हुआ हो। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए आप तभी निकाल पाएंगे जब शादी 30 दिसंबर या उससे पहले हो। अकाउंट से पैसा दूल्हा दुल्हन या उनके माता पिता ही निकाल पाएंगे। वर वधु पक्ष अलग अलग 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। बैंक से जो कैश शादी के लिए आप निकालेंगे उसमें आपको इस बात का प्रमाण देना होगा कि जिन लोगों को यह पैसा दिया जाना है उनके बैंक अकाउंट नहीं है। आपको शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी। शादी के कार्ड के साथ आपको वर वधु की पूरी जानकारी बैंक को देनी होगी। तो ये तमाम कड़े दिशा निर्देश RBI ने जारी किए हैं जिससे साफ है कि शादी वाले घरों के लिए बैंक से पैसा निकालना अब और मुश्किल हो जाएगा। कभी सरकार तो कभी RBI ने नए सर्कुलर से लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। देखते रहिए DB Live।